हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद आरिफ आज आपको बहुत ही अनोखे म्यूज़ियम में लेके जाने वाला हूँ, जिसका नाम मानसिंह म्यूज़ियम है। और इसमें वर्चुअल एक्सपीरियंस यानी कि आभासी अनुभूति किया जाता है, मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। चलिए आज हम आपको उसी में की सैर कराते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट की सुविधा उपलब्ध है। आप देखिए, यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप टिकट लेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जी बनाया गया है। और चलिए हम आपको अंदर का सूट दिखाते हैं। ये बनारस की कुछ झांकियाँ। पूरा बनारस के बारे में आपको बताया जाएगा इस यहाँ पर हमारे नाम से वीडियो दिखाने के लिए। वीडियो द्वारा पूरा बताया जा रहा है। अभी 3D विजुअल भी देखना है। अभी 3D में भी हम लोग को दिखाया जाएगा। देखिए, काशी की गलियाँ हम लोग देखेंगे, वर्चुअल एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखिए, लग रहा है कि रियल है, लेकिन ये पुतला बनाया गया है। ये देखिए, एकदम बनारस आपको लगेगा कि आप रियल में बनारस की गलियों में आए हुए हैं। देखिए, भीड़ भाड़ इसमें दिखाया गया, लग रहा है कि एकदम रियल में आप चल रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है आपको वाइब आएगी, आपको बनारस की बनारसी वाइब आएगी। देखिए, ऐसा लग रहा है आप गली में रहेंगे। देखिए, फिर गलियों में जैसे कि बनारस गलियों में होता है ये, वैसे ही बनारस की गलियों में रहेगा ये। देखिए, कैमरा द्वारा वर्चुअल किया गया है, ऑथेंटिक। आपको सिर्फ फील आएगा ऐसा कि आप बनारस की गली में हैं। चलिए, आपको अभी तो बहुत फील दिखाना है आपको। हम लोग तो एक बार रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर यहाँ पे आए और विजिट करें। ये देखिए, यहाँ पर अभी वर्चुअल चालू होने वाला है। अभी हम कुछ दिन में आपको 3D एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ये बनारस की कुछ झांकियों के बारे में। ये देखिए, ये एक नंबर का दिखाया गया है। ये पावर लूम जो चलता है मशीन के बारे में, उसके बारे में। ये देखिए पावर लूम का, ये देखिए बनारसी वस्त्रालय, बनारसी साड़ियों ये फेमस है। देखिए, सिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का शहर। ये देखिए, आप यहाँ पर म्यूजिक को फील कर सकते हैं, म्यूजिक का सुन सकते हैं। ये देखिए, ये इसको सुन सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। ये देखिए, शरीर को आप महसूस कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए बनारस की जितनी भी फेमस है काशी क्षेत्र, उसके बारे में है। ये देखिए, इन सभी चीज के बारे में दिखाया गया है। अभी चलिए हम आपको कुछ म्यूजिक एक्सपीरियंस करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग भी इसका बांसुरी का अपने कान में सुन के ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसी बड़ी सी किताब है कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको क्लिक करते ही उनके बारे में खुल जाएगा। जैसे देखिए, कबीर जी के बारे में खुल गया। अब इनके बारे में पूरा कहानी आप ऐसी, इनका फ़ोटो चेंज होगा, इनका लोकेशन आएगा, कहाँ ये पैदा हुए, कहाँ कैसे ये हुआ। देखिए, ऐसे पूरा इनके बारे में जितना भी आप जानकारी लेंगे, देखिए पूरा इनके दोहे से लेके सब कुछ आएगा। इसको वापस लेना है तो ऐसे करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। अब जैसे आपको भारतेंदु जी के बारे में जानना है, भारतेंदु जी के बारे में आ गए। देखिए, उनकी पैदाइश और ऐसे ही पूरा कहाँ पैदा हुए, क्या आती हैं, जैसे उनके सामान वाले। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। ये देखिए, गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे गिरी, उसी के बारे में शंकर जी। गंगा भी दिशा भूल कर उत्तर वाहिनी हो जाती है, फरक
अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ देखिए खत्म हो गया है हमारा लिप प्रोजेक्टर, अब चले हम दूसरी जगह चलते हैं। ये देखिए यहाँ भी वही हाल है, आपको यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करना होगा, एकदम थ्रीडी में एक्सपीरियंस हुआ है आपको। इस पर जोक क्या बन सकता है यार, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग। और आगे चलते हैं देखिए बनारस के बारे में, पूरी बनारस में क्या जो जो फेमस प्लेसेस उसका फोटोज आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए पहले ज़माने में औजार भी हुआ करते थे। और आगे चलते हैं वर्चुअल टेरिटरी, देखिए टच किया ये स्वाइप हो गया ऐसे ही, इसको एक बार टच करेंगे तो दो बार जैसे ही करते रहेंगे आपको आता है। ये देखिए मुक्ति धाम बनारस, ये देखिए छत पे आ गए हम अपने दुलीपुर की शान, अपने बनारस की शान, पर्व फेस्टिवल लेके आए यहाँ पर। ये देखिए ये देखिए ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, वरना अगर से आप इसको क्लियर करते तो ऐसे ही बजने लगता है, ऐसे बजने लगता है, लेकिन अभी अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है। नहीं अभी अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है, तो टच करने पर आवाज़ आती है। कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, बड़ा बढ़िया बात लिखा है। ओहो देखिए रामलीला, रामलीला गुड़िया गुड़िया की तरफ। हाँ ये देखिए हम छत पे चल रहे एकदम धूप में, आपके लिए छत में आए, ये देखिए धूप कितनी है, देखिए इतनी धूप में हम लोग आपके लिए आए हैं प्राचीन घड़ी दिखाने के लिए, प्राचीन क्लॉक 25 रुपये में, पुराने ज़माने में देखिए कैसे हुआ करता था। ये देखिए इसके बारे में पहले सम्राट यात्रा में, बाकी सब संस्कृत में लिखा हो, जिसको संस्कृत आता है वो अच्छे से समझ ले। इतना बड़ा घड़ी कौन देखता होगा रही, पहले धूप से पता चलता है कि कितना बजे आ रही है, 10:30, 9 इसकी टाइमिंग लिखा हुआ है, 1:30, 6 तब करके है, जैसे धूप पड़ता रहती है यहाँ पर पता चलता है कितना बजे है। आइए ले रहे हैं लोकेशन का कैंपस, देखिए यंत्र चक्र यंत्र, चलिए और देखते हैं क्या है छत में। देखिए गोल सा है और पता नहीं क्या है, जिसको समझ में आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ देखिए सबसे यहाँ का, हम तो मेन इसी के लिए आए ही थे भाई। ये देखिए यहाँ से पूरा बनारस का व्यूज देखिए आप, पूरा बनारस शहर बनारस। हम लोग छत पर उतर गए हैं, अब हमारी चलती है नीचे बाहर की तरफ, देखिए एग्जिट बाहर जाने का रास्ता, वेट एग्जिट, अब देखते हैं एग्जिट। अब हम लोग बाहर निकल गए हैं, ख़त्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ का आपको ब्लॉग चाहिए उसके लिए कमेंट करें। ये देखिए वे टू गंगा नदी, इसके बाहर निकलते ही वे टू गंगा नदी का रास्ता। थैंक यू।